सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं अपने डाइट प्लान के ऊपर। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग हो या आर्म रेस्लिंग हो या कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें आपका प्रोटीन इंटेक या डाइट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आप 4 घंटे प्रैक्टिस करते हो और आपकी डाइट प्लान प्रॉपर नहीं है, तो जो रिजल्ट आपको दिखने चाहिए वो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। नहीं तो डाइट प्लान एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेंगे। अगर आपकी डाइट प्लान अच्छी है तो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे और आपकी स्ट्रेंथ में भी इम्प्रूवमेंट होगी और मसल मास में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेरियन प्रोटीन इंटेक के बारे में कि आप पर डे का प्रोटीन इंटेक कैसे फुलफिल कर सकते हो जो लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है। नहीं नॉन वेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं जो लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने कुछ सोर्स लिख रखे हैं जो बहुत सस्ते हैं और आप उसको बाय कर सकते हो और उसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक मिल जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ है आपका सोया चंक्स। सोया चंक एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपको 10 रुपये के पैकेट में आपको 25 से 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है और ये बहुत चीप सोर्स है और उसको आप ले सकते हो। एंड दूसरा चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा सत्तू। सत्तू एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपको अच्छे खासे कार्ब्स वगैरह मिल जाएंगे और प्रोटीन भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और ये भी एक सस्ता सोर्स है, ठीक है। नहीं एंड थर्ड मैं सजेस्ट करूँगा पनीर। पनीर आप 2 टाइम ले सकते हो, आपको 30-40 ग्राम पनीर में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। और फोर्थ मैं सजेस्ट करूँगा मूंग की दाल। मूंग की दाल आपको कैसे लेनी है, अगर आपको एक मुट्ठी मूंग लेनी है जितना आपको चाहिए आपकी अपनी मील के हिसाब से, उतना आपको भिगा लेना है। अगले दिन अगर आप वैसे खा सकते हो भिगाई हुई दाल तो बढ़िया है, अगर जिस जो लोग वैसे नहीं खा पाते हैं जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो दोबारा उसको कुकर में बॉईल करके मीन्स उसको सीटी मार के 1-2 सीटी लगाकर तब उसको ले सकता है, ठीक है। उसमें सैलेड वगैरह ऐड करके जो आप जैसा आपको सही लगे आप वैसे करके ले सकते हो। एंड लास्ट चीज़ है, 2 ऑप्शन दूंगा, एक तो ड्राई फ्रूट्स दूसरा मिल्क। दोनों में प्रोटीन कम है बट आप इसको ले सकते हो। मैं इसको बता सकता हूँ कि आप लास्ट मील में इसको इस चीज़ को रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स या आपका मिल्क हो गया। इसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा और इसके अलावा प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे और विटामिन वगैरह मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी में हेल्प करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। आप जितना रॉ खाओगे उतना ही आपके लिगामेंट्स और मसल मास ग्रोथ जल्दी होगी। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।